मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं आज की के साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। बुधवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी और जवाबों से संतुष्ट न होने पर ईडी ने कल फिर उनसे पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति को लेने ईडी दफ्तर पहुंची और दोनों वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर निकले। सूत्रों का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से शनिवार को भी पूछताछ होगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, कल 10 घंटे पूछताछ हुई है, क्या निकला इस पूछताछ में? जी देखिए जसप्रीत, तमाम तरह के सवाल थे जिनका सामना रॉबर्ट वाड्रा करना पड़ा और जिसमें सीधे तौर पर जो ईमेल था वो दिखाया गया रॉबर्ट वाड्रा को, जिस ईमेल का आदान प्रदान सुमित चड्ढा जो कि संजय भंडारी का करीबी है और रॉबर्ट वाड्रा ने आपस में किया, जिसमें एक फंड देने की बात की गई थी और रिनोवेशन की बात की गई थी घर के जो लंदन का एक बंगला था, उसका आरोप लग रहा है कि वो रॉबर्ट वाड्रा का है। उसके अलावा 5 प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके बारे में रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया कि उनका मालिकाना हक किसके पास है या किस कंपनी के नाम पे है, उस पर रॉबर्ट वाड्रा सवाल किए गए। शनिवार को जो पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी क्योंकि इसमें ईडी जो मनोज अरोड़ा है उसको आमने सामने बैठा के रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करना चाहती है। अगर ये संभव हुआ तो काफी बड़ा दिन होगा ये, क्योंकि मुख्य आरोपी मनोज अरोड़ा जो सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। जी आनंद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के साथ जमकर ओले बरसे। पिछले एक महीने में ये दूसरी बार है जब ओले पड़ने से दिल्ली और एनसीआर ठिठुर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में सर्दी अभी और पड़ेगी, यानी ठंड से अभी और कपकपी छूटनी बाकी है क्योंकि मौसम एक बार फिर पलटी मार चुका है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ जमकर ओले बरसे। नोएडा में रुक रुक कर बारिश हुई, बारिश के साथ ओलों ने भी लोगों का इम्तिहान लिया। कई इलाकों में ओले पड़े और जब बारिश रुकी तो सड़कें सफेद हो चुकी थी। नोएडा के ही एक पार्क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां बर्फबारी हुई हो, चारों तरफ ओले ही ओले पड़े थे। नोएडा के कई इलाकों में लोगों को बारिश के साथ ओलों के भी डबल टॉर्चर से जूझना पड़ा। बारिश और ओले बरसने से मौसम में ठंडक बढ़ गई।